एक बार चार्ज होने पे फुल चार्ज कर देंगे तो 50 किलोमीटर तक जा सकता है। 50 किलोमीटर तक चलता है। स्पीड अभी हम लोग आए हुए हैं मढ़ौरा पॉलिटेक्निक में, छपरा पॉलिटेक्निक, राजकीय पॉलिटेक्निक छपरा में, जो कि मढ़ौरा में स्थित है। और यहाँ के स्टूडेंट, इनका नाम क्या है आपका? प्रिंस कुमार ने सोलर वाला साइकिल, और ये चार लोग इस प्रोजेक्ट में हैं। आप लोग का नाम क्या है? नंदिनी सिंह स्वाति सिंह आदित्य राज। और ये बाकी सब सर हैं। सर आपका नाम? सर धनंजय कुमार सर। ये सभी लोग हैं, बाकी सब स्टूडेंट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं। अभी इनसे हम बात करेंगे कि ये इस प्रोजेक्ट का खासियत क्या है और इसका आगे चल के मतलब क्या बेनिफिट होने वाला है समाज को। ये प्रोजेक्ट मेनली हम लोग बनाए हैं इस पर्पज़ से कि इसको 24 आवर रन कराया जा सके। जो भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनका डिसएडवांटेज में ये होता है कि अगर उसको हम चार्ज कर रहे हैं तो उसको यूज नहीं कर सकते हैं। इसका हम लोग बेनिफिट सोलर लगा के बनाए हैं, जिससे कि ये चार्ज भी हो सकता है और चल भी सकता है। कहीं भी गए हम धूप में साइकिल को छोड़ दिए, ये खुद से चार्ज होते रह सकता है। ये एक बार चार्ज होने पे कितना किलोमीटर चलता है? एक बार चार्ज होने पे फुल चार्ज कर देंगे तो 50 किलोमीटर तक जा सकता है। 50 किलोमीटर तक चलता है। ओके, इसका मतलब ये आगे आपको प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? ये प्रेरणा हम लोग को यही मिली कि हम लोग जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप हो चुका था, इस पर हम लोग सर्च किए तो हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी बिक्री हो रहा है कंट्री में बहुत कम हो रहा है, ज़्यादा डेवलप नहीं हो रहा है। उसका मेन प्रॉब्लम क्या है? तो यही चार्जिंग प्रॉब्लम है, और यही चार्जिंग को लेकर ही हम लोग इस पर काम करना शुरू किए थे। ओके, चार्जिंग को लेकर मतलब इसमें आपके मतलब कॉलेज का कहाँ कितना मतलब प्रोत्साहन है आपको, कैसे मतलब लोग सर लोग हम लोग इसके लिए हम लोग ये प्रपोजल दिए सबसे पहले जो BCST के द्वारा सिलेक्ट हो गया, और जिसके बाद BCST के द्वारा बिहार सरकार के द्वारा हम लोग को 10,000 राशि भी मिला सहायता राशि इसको बनाने के लिए। लेकिन जो हम लोग का एस्टिमेशन था अप्रोक्स 30,000 के आसपास था, तो प्रिंसिपल सर भी हम लोग को बोले कि आप लोग बनाइए, हम सहायता करेंगे, और वो सहायता भी किए हम लोग। ओके, इसमें सर भी मतलब कोऑपरेट किए हैं आप लोग को, और ये इसमें गवर्नमेंट ने 10,000 अनुदान के तौर पे दिया है आपको, सहायता राशि सहयोग राशि के तौर पे 10,000 गवर्नमेंट दिया है इसको। इसका कुछ मतलब पेटेंट भी आप लोग करवा रहे हैं कि मतलब आगे क्या ऐसे रहेगा? हाँ, पेटेंट करवाना है बट अभी हुआ नहीं है, करवाना है। ओके, मतलब अब बिहार गवर्नमेंट इसके लिए कुछ मतलब आपसे नहीं है? हाँ, बिहार गवर्नमेंट बिहार लेवल पर अभी इसका चेकिंग बाकी है। BCST के द्वारा पूरा बिहार लेवल पर पूरा कॉलेज का एक बार चेक होता है, तो हम लोग का भी प्रोजेक्ट उसमें चेक होगा। धनंजय सर प्रोजेक्ट हेड हैं इनके, ये सोलर साइकिल के, तो थोड़ा सर से बात करेंगे कि सर क्या बता रहे हैं इसके बारे में। सर देखिए, ये एक तो इको फ्रेंडली बाइसिकल बनाया है, जैसा कि मार्केट में अभी हमारे पास इलेक्ट्रिक बाइसिकल अवेलेबल है जो कि लगभग 25,000 से 30,000 के चार्ज में भी मार्केट में मिल रहा है। तो उसी अमाउंट में अगर हम लोग जैसे कि उसी सेम अमाउंट में बच्चों ने उस इम्प्लीमेंट करके उसी अमाउंट में ये सोलर बाइसिकल बनाया है। जैसे कि उस जो अभी मार्केट में ई बाइसिकल है उसका डिसएडवांटेजेज ये हैं कि उसको हम लोग एक बार चार्ज करके अगर हम मार्केट में लेकर निकलते हैं तो अगर एक बार बैटरी ख़त्म हो गया वहाँ ख़त्म हो गया। लेकिन इस साइकिल में क्या है कि हम लोग जब रनिंग पीरियड में है, यहाँ पे इन्होंने दो बैटरी का यूज़ किया है, एक बैटरी स्टैंड बाई कंडीशन में रहेगा, एक बैटरी रनिंग कंडीशन में रहेगा। ठीक है, जैसे कि जब सोलर चल रहा है तो एक बैटरी पे मेरा साइकिल चल रहा है, उसके बाद ये दूसरा बैटरी है, मतलब एट ए टाइम चार्ज भी हो रहा है और ये चल भी रहा है। जैसे ही अगर ये बैटरी खत्म हुआ तो यहाँ से स्विच है, इससे हम लोग क्या करेंगे फिर दूसरे बैटरी पे अपना साइकिल स्टार्ट कर देंगे। कहने का मतलब है ये है कि इस बाइसिकल का एडवांटेज ये है कि हम कहीं भी मतलब एनर्जी को लेके हमको टेंशन नहीं है जी, कि अगर हम कहीं गए तो इमरजेंसी में फंस जाए, ऐसा कोई नहीं है। तो ये इन लोगों के इसका प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर ने बताया कि ग्रीन एनर्जी से चलने वाली साइकिल है और इसको एनर्जी के लिए कभी खास एफर्ट नहीं लगाना है हम लोग को, और ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, आगे चल के समाज को इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। आगे सर इसका कुछ विजन आप बता सकते हैं कि मतलब आगे क्या भी विजुलाइज किया है? जैसे देखिए, अभी जो है गवर्नमेंट अपना इंडियन गवर्नमेंट जो है सोलर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है जी। जैसे कि अभी जितने भी लिमिटेड सोर्सेस हमारे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जितने भी लिमिटेड सोर्सेस है, चाहे आपको
थर्मल एनर्जी हुआ, जैसे हम लोग कोल को जला के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों को वहाँ पे हमारा कोल का कंजम्पशन जो सेविंग होगा, यहाँ पे हमारा क्या है कि जो सन का लाइट है उस लाइट को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हैं। बताएंगे सर, यहाँ के पॉलिटेक्निक के एकेडमिक इंचार्ज हैं राजकीय पॉलिटेक्निक छपड़ा के, सर आपका नाम बताइए। मेरा मुकेश कुमार नाम है। और मुकेश कुमार जी, मुकेश कुमार सर आप कुछ बात करेंगे इसके बारे में, सोलर ये हमारे बच्चों ने हाँ तैयार किए हैं, बहुत अच्छा है बाइसाइकिल, और ये सोलर पे चलता है मेनली। और एक और प्रोजेक्ट है हमारा जो बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक ओपन होता है उसका लीड और फिर बंद होता है, उसमें जो है सेंसर लगा हुआ है उसके थ्रू जो है काम करता है। थैंक यू मुकेश सर। मुकेश सर ने बताया कि अभी ये जो दो प्रोजेक्ट हैं, एक सोलर साइकिल है और दूसरा नया प्रोजेक्ट है ग्रीन एंड क्लीन इंडिया के तहत स्मार्ट डस्टबिन लोग बनाए हैं, अभी उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि स्मार्ट डस्टबिन की क्या क्या खासियत है। स्पीड में काफी